नमस्कार, मैं हूं सुदीप राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर उस समय गवाह बना जब सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल करीम यहां पहुंचे और एनएसए के चीफ अजय डोभाल ने उनका स्वागत किया। आप सोच सकते हैं कि जब एक तरफ देश में यूसीसी को लेकर एक माहौल पूरा गर्म है, यूसीसी को भुनाने में हर कोई पार्टी आप कह लें या हर कोई समुदाय लगा हुआ है, ऐसे में अगर जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चीफ भी हैं अलीसा जी, उनका भारत दौरा होना एक अहम बात है। एक ये भी एक सुगाहट देता है कि क्या यूसीसी लागू हो सकता है या ऐसे में क्या कुछ होगा, ये आपको दिखाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए हम चलेंगे आपको लेकर लोगों के बीच में। 11 जुलाई को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया जिसमें देश विदेश के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। इस दौरान न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, जहां एक तरफ देश में यूसीसी के मुद्दे पर सियासत गर्म है तो दूसरी तरफ आईआईसीसी हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और आपसी भाईचारे से जुड़े कई प्रोग्राम यहां होते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की विशेष झलक आपको दिखाते हैं और आपको सुनवाते हैं इस दौरान वहां पहुंचे नामचीन हस्तियों ने क्या कुछ कहा। सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मुसलमानों के प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा 6 दिवसीय भारत दौरे पर है। भारत दौरे के अपने दूसरे दिन मंगलवार को अल ईसा ने कहा कि भारत के मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है। उनके संबोधन पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा कि इस्लाम देश के सभी धर्मों के बीच एक गौरवपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि अल ईसा ने अपने प्रयासों से चरमपंथ को रोकने में मदद की है। डोभाल ने कहा कि भारत उन संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण है जो सदियों से सद्भाव के साथ अस्तित्व में है। WL के महासचिव से अजीत डोभाल ने की मुलाकात। उन्होंने अल ईसा को संबोधित अपने संबोधन में कहा कि महामहिम इस्लाम और दुनिया के बाकी धर्मों को लेकर आपकी गहरी समझ और धर्मों के बीच सद्भाव के लिए आपके प्रयास सुधार के रास्ते पर लगातार बढ़ने के आपके साहस से न केवल इस्लाम को लेकर लोगों की समझ को बेहतर बनाया बल्कि चरमपंथ को भी इसे रोकना है। इससे उन कट्टरपंथी विचारधाराओं को भी रोका है जो युवाओं को परेशान कर रही है। القومي أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم، أسعد بكم في هذا اللقاء وفي هذا المركز، مقدرا الدعوة الكريمة من لدن قيادة هذا المركز الثقافي والحضاري من أجل تعزيز تواصلنا الثقافي والحضاري حول العالم. No voice. Okay. His Excellency Mr. Doval, Advisor of the Security Council. His Excellencies, Eminencies, Ladies and Gentlemen. I'm delighted to be here and appreciate the kind invitation from this cultural center to further promote our relationship culturally and on the civilizational level. نحن نقدر التاريخ العريق للهند، التاريخ الثقافي والحضاري، ونؤمن بأهمية التواصل مع هذا التاريخ في عالمنا الإسلامي. ونقدر أيضا على وجه الخصوص التنوع الإيجابي في جمهورية الهند، هذا التنوع والذي عزز من مفهوم التعايش من خلال الوعي الذي تتمتع به الحكمة من لدن هذا التعايش. We appreciate the great and long history of India, and we appreciate the diversity that is there in India, and we believe in the necessity of establishing communication and outreach with this diverse culture in India. We also appreciate the positive coexistence that exists within this diversity, and how this diversity further promotes the good relationship between the different cultures. في هذا العالم التنوع منذ أن خلق الله عز وجل الخلق، هذا التنوع هو حتمي وهو أيضا طبيعي، ولا بد أن نستوعب
هذا التنوع عندما نستوعبه استيعابا صحيحا عندئذ نسلك مسلكا صحيحا من خلال الوعي الذي لدينا. Of course, this diversity, it's been on this earth from the very inception. We must appreciate this diversity, and we understand it that this diversity is an unavoidable part of life. If we understand it in such a manner, then we will be able to approach it very positively. IICC में पहुंचे NSA अजीत डोभाल. वहीं इस दौरान वहां पहुंचे भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अल ईसा को उदारवादी इस्लाम की वैश्विक आवाज बताया और कहा कि वो इस्लाम की गहरी समझ रखने वाले इस्लामिक विद्वान हैं। डोभाल ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भारत अपने सभी नागरिकों को उनकी धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक पहचान की परवाह किए बिना उनका सम्मान करने में कामयाब रहा है. That exists between India and Saudi Arabia, which are rooted in shared cultural heritage, common values, and economic ties. Our leaders share a common vision of the future and have been closely interacting with each other. The enduring profoundness of our historic relationship can be understood. NSA अजीत डोभाल ने अपने संबोधन में भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंधों को भी सराहना की है. उन्होंने भारत और सऊदी अरब के रिश्ते साझा सांस्कृतिक विरासत, सामान्य मूल्यों और आर्थिक संबंधों पर टिके हुए हैं. NSA ने कहा कि हमारे नेता भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं और एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं. मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने भारत के गौरवशाली इतिहास की तारीफ करते हुए कहा कि संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना समय की मांग है. उन्होंने कहा कि हम भारत के इतिहास और विविधता की तारीफ करते हैं. इसके अलावा यहां और भी कई हस्तियां पहुंची, चलिए उनसे आपको रूबरू कराते हैं. फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस सऊदी अरबिया, एस्टीम हिज एक्सीलेंसी श्री अजीत डोभाल साहब कीर्ति चक्र, नेशनल एंड सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, डिस्टिंग्विश्ड रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स, एकेडमिक्स, वैल्यूड मेंबर्स ऑफ द प्रेस, लेडीज एंड जेंटलमैन. Of course, it is a great pleasure and personal honor to stand before you as the chairman of Khusro Foundation and president of India Islamic Culture Center. Having had the opportunity to host such an important event today, I would like to begin by expressing my heartfelt thanks to His Excellency Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al Isa. Your insightful discourse on various relevant issues have not only enlightened us but also touched our hearts very deeply. मैम, जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब के पूर्व नया मंत्री आज भारत दौरे पर हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसे भारत के और सऊदी अरब के जो मिलाप हैं, मुलाकात, उससे क्या कितना फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इनके आने से. हमारे बीच में जो मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा आज हमारे बीच में आए हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम है हमारे देश और उनके देश के या उस एरिया के पूरे मुस्लिम जो जितने मुल्क हैं उनके साथ भारत का जो रिलेशनशिप है और जो हमारे प्रधानमंत्री की नेतृत्व में चल रहा है, तो इन्होंने हाथ बढ़ाया दोस्ती का और इन लोगों ने हाथ लिया है उनका, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट टाइम है. अच्छा मैम, जिस तरीके से देखा जा सकता है इस समय एक UCC भी एक बड़ा मुद्दा है और लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन अल ईसा जी जो हैं वो एक उनको मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनको सुनते हैं, तो आपको लगता है इस समय जब एक तरफ देखें पूरा जोरों पर चल रहा है पूरा मैटर, अलग अलग समुदाय के लोग चाह रहे हैं कि इसको, कुछ लोग चाह रहे हैं ना आए, कुछ लोग चाह रहे हैं इसको आए, तो आपको लगता है इसमें कुछ फ़र्क डाल सकते हैं वो अपनी आवाज़ से? देखिए, उनके आने से, ना चाहने से तो कुछ नहीं होता, वो आ गए हैं और हमारे देश को उन्होंने करीब कर लिया है, अपनी दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया है, तो इसलिए अब हमें उनके निगेटिव थिंकर्स के बारे में सोचे नहीं. जो आज सारा देश उनको वेलकम कर रहा है, आज मैं देख रही हूँ इस प्रोग्राम में, तो इनके वेलकम में अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है. मैं तो इनको एक औरतों के कॉज को लेके चलने वाला एक बहुत बड़ा आदमी भी समझती हूँ, क्योंकि वो कॉज जो इस्लाम में अभी तक लोग गलत समझते रहे या औरतों को उनका हक नहीं मिला, उतना खुल के हक नहीं मिला. हक तो था सब चीज़ में, हमारे कुरान में हक दिया है,
बट जो खुल के हक मिलता उनको वो इनकी और इनके साथियों की बदौलत ही मिल रहा है, और दूसरे मुल्क ममालिक जो हैं वो भी इसको इसकी नकल करेंगे और औरतों को बढ़ाएंगे। हमारे जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में औरतों की स्टेटस बहुत हाई है अभी काफ़ी, और बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा ही और सब कंट्रीज़ में होगा। मैं इनका खैर मकदम करती हूँ और उनको वेलकम करती हूँ अपने कंट्री में, और चाहती हूँ कि वो हमारे मुल्क के को करीब समझ के और हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ करें, और हमको एक रास्ता भी दिखाएं कि हम किस तरह से प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं अपने इस्लाम धर्म के होते हुए, उसके दिए हुए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कुरान शरीफ है, उनकी ही लाइनों पर चलते हुए, क्योंकि ये सारे मुल्क उन्हीं से गाइडेड हैं, कोई और डिफरेंस नहीं है उनके बीच में, तो हमें एक गाइडेंस। सर आज मौके पर सऊदी अरबी के पूर्व नया मंत्री मौजूद थे, और आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के बारे में, बहरहाल जो प्रोग्राम जिस लाइन्स पर था वो अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन जहाँ तक यूसीसी का ताल्लुक है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं चाहता था कि इस पर डिस्कशन हो, लेकिन इस पर नो वर्ड हैज़ बीन टोल्ड बाय हिम बाय देम। सर लोग कहते हैं कि जो सऊदी अरबी के पूर्व नया मंत्री हैं आज जो यहाँ उपस्थित थे प्रोग्राम में, इनको मुस्लिम बाहुल जो लोग उनको बहुत मानते हैं, उनको बहुत सुनते हैं, शायद हो सकता था कि यूसीसी पर वो पहल करें, ऐसा कुछ करें, लेकिन उन्होंने जबकि ऐसा कुछ कहा नहीं। अच्छा, यूसीसी लेक को लेकर आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो ये है कि बहरहाल ये मसला बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी कौम से इस्लाम से जुड़ा हुआ है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूसीसी अगर मान लीजिए सर देश में आता है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं तो इसको हम हर तरीके से पब्लिकली भी और कानूनी एतबार से, अदालत के एतबार से हर तरीके से कंडम करेंगे। सर आज एक बड़ा ही यहाँ पर कार्यक्रम किया गया, यहाँ पे सऊदी अरबिया के पूर्व नया मंत्री भी मौजूद थे, तो आप इस प्रोग्राम को किस रूप में देखते हैं? बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि ये इंडिया वेरी सेकुलर कंट्री, और सऊदी अरबिया से बहुत बड़ी हस्ती मोहम्मद बिन अब्दुल करीम साहब तशरीफ़ लाए, और हमारे अजीम व शान माननीय अजीत डोभाल साहब थे इधर होस्ट, तो दोनों ने आपस में हार्मनी, रिलीजन हार्मनी और आपस में पीस और मोहब्बत की बातें की, और उन्होंने ये भी बोला कि ये लेक्चर तक महदूद नहीं है, ये प्रैक्टिकली इस कंट्री में होना चाहिए, और दिस इज़ गुड, वेरी गुड। ऐसा है कि आज जो ये प्रोग्राम है ये हम लोग होस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग डॉक्टर अब्दुल करीम बिन अब्दुल अजीज़ अल ईसा, और इसका मकसद ये है कि इंडिया और सऊदी अरब को क्लोज़र लाना, और जो हमारा मकसद है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का वो ये है कि किस तरह से मुख्तलिफ मज़हबों को जोड़ा जाए और मुख्तलिफ मज़हबों के बीच में जो एक खाई है उसको ख़त्म किया जाए, और टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, टू ब्रिंग रिलीजन्स टुगेदर, वो हमारा भी ऑब्जेक्टिव है और मुस्लिम वर्ल्ड लीग का भी वही ऑब्जेक्टिव है जिसके सेक्रेटरी जनरल आज यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और मकसद एक ही है, इसलिए हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे फ्यूचर में भी, और इस्लाम को किस तरह से और रिलीजन्स के साथ लाया जाए, और इस्लाम का जो मैसेज है पीस का, यूनिटी का, नेशनल इंटीग्रेशन का, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन का, उसको पॉपुलराइज किया जाए। सर क्या लगता है आपको, जो भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं कुछ और मजबूत होंगे, या क्या आप देख लें समय जो देश में जिस तरीके से यूसीसी का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि इसमें भी उनका एक अहम रोल हो सकता है, क्योंकि वो उनको मुस्लिम लीग जो है बड़ा उनको मानते हैं, बड़ा उनका मान जान उसमें रहता है, तो ये वास्तव में कुछ फ़र्क डाल सकते हैं उसमें? देखिए, यूसीसी जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें सऊदी अरब का ना तो वो कोई दखल देना चाहेंगे और ना कोई किसी फॉरेन कंट्री का दखल उसमें बनता है, ये हमारी अपनी प्रॉब्लम है, ये इंडिया में ही सॉल्व होगी, और डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इसको बैठ के सॉल्व करेंगे, ये कोई बाहरी मुल्क इसमें मुदाखलत कोई करना पसंद नहीं करेगा और ना करनी चाहिए,
और जहाँ तक इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात का है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिजनेस रिलेशन है, कल्चरल रिलेशन है, रिलीजियस टाइज है। हमारा इतना बड़ा 170,000 हाजी अभी हज करके लौटे हैं सऊदी अरब से, तो वो ताल्लुकात चलते रहेंगे और मजबूत होंगे। इस वजह सर आज इस मौके पर सऊदी अरेबिया के अली साहब भी मौजूद थे, तो क्या कुछ निकल कर आया? नहीं, देखिए उन्होंने अपना बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, अगर इंसानियत नहीं है तो मज़हब की भी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा हमेशा अमन और चैन की बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो सदियों पुराने हैं, उसको भी उन्होंने कहा कि इनको और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, एक दूसरे के साथ अच्छा रबता कायम किया जाए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के डायलॉग करने चाहिए, एक दूसरे को करीब से देखना चाहिए। मोहब्बत जो है उसका पैगाम सब जगह जाना चाहिए, हमें नफरत से दूर रहना चाहिए, झगड़े से और जो इस तरह के टेररिज्म है इनसे सबसे दूर रहना चाहिए। और ये मैसेज जो है पूरी दुनिया में आज के इस प्रोग्राम का जाएगा, मैं समझता हूँ। तो सर लोगों की भी उम्मीद थी कि जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत मानते हैं अली सजी को, हो सकता है यूसीसी पर भी कुछ बयान दीजिए। वो हमारा पर्सनल मामला है, हमारे हिंदुस्तान का मामला है, उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल आदमी, कोई सेंसिबल आदमी तो इस बात बोलेगा नहीं, क्योंकि ये उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर यूसीसी क्या कहना चाहेंगे आप, यूसीसी कितना ज़रूरी है? अभी तो कहना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी तो चल रही सब चीज़ें मीडिया में, इसमें उसमें लोग अभी तो बातें कर रहे हैं, लेकिन असल क्या होने वाला है बाद में पता नहीं, जब वो होगा तब देखेंगे। तो आपने सुना मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम को, उनका साफ तौर कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देना है, कोई भी जात हो, कोई मजहब हो, वो सबको आपस में लेकर चलने की उन्होंने बात कही। कैमरामैन सरदार के साथ मैं सुदीप राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।